हेलो फ्रेंड्स, मुँ राकेश परोडा आपको वी हाव सक्सेस को स्वागत जनाऊँ। आज आम देखा कौन एसएससी रो बाहर नुआ वैकेंसी पाखापाखी हजार उपर वैकेंसी बाहर, तो से वैकेंसी उपर देखा कौन कौन बाहर और तार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रही को पोस्ट बाहर तार डिटेल देखा। यहाँ रही ओरिजिनल रही देख एसएससी रो जो ऑफिशियल वेबसाइट रो डाउनलोड कर तो फास्ट देखा एथरे मैंने को रीजन पर रही आम रहा ईस्ट रीजन। ईस्ट रीजन रही ओडिशा अच्छी एथेर ओडिशा आम हेडक्वार्टर कौटे रही आम कोलकाता हेडक्वार्टर अच्छी। तो मेन पॉइंट को आम जावा फास्ट रहा आम एग्जामिनेशन फी के रोचे एग्जामिनेशन फी रही कैसे शहे टाँह एग्जामिनेशन फी रही जो अच्छा ओमेन कैंडिडेट्स जो एस सी एस टी एवं पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट मानी कौन से आप्लिकेसन फी ना आई कौन आम के आम आप्लाय कर पाँच नौ दुई हजार अठर रु तीस नौ दुई हजार अठर आ भितर आम आप्लिकेसन फर्म आप्लाय कर जो कैंडिडेट मैंने लिखाई कौन कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी अफ पोस्ट सेपरेटली एंड ऑल्सो पे फी फॉर ईच कैटेगरी मैंने तीन टा कैटेगरी रही ग्रेजुएशन रही प्लस टू रही टेन्थ रही तीन टा कैटेगरी रही तीन टा कैटेगरी तुम तीन टा अप्लाई कर पार आ सबुदी जार ग्रेजुएशन हो प्लस टू टेन्थ तीन टा ग्रेजुएशन तीन टा कर प्लस टू अच्छी से प्लस टू टेन्थ कर जी टेन्थ अच्छी से टेन्थ ही कर तो जी ग्राजुएसन रहा तीन टा फर्म अप्लाई कर तीन टा फर्म पाई तीन सौ टाँह ही दबाक पड़ा सबुति सेपरेट दबाक पड़ा। कैंडिडेट मे नोट दैट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड एट ssc.nic.in जो ssc.nic.in ही एप्लीकेशन फर्म मिले लिखाई आई कि आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फर्म कैंडिडेट मस्ट टेक ए प्रिंट आउट माने जे फॉर्म पकई सारापर से प्रिंट आउट गोटे नहीं जो 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 फॉर्म बाय सबमिशन सेम अलोंग विथ रिक्विजिटिव डॉक्यूमेंट व्हेन कॉल्ड फॉर बाय द कमिशन आफ्टर कंडक्टिंग जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सरब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डकपाइन गोटे एप्लीकेशन प्रिंट आउट दरकार तेनालीकेशन प्रिंट आउट फर्म आगे रखिथे निहाती दरकार तापर क्लोजिंग डेट रहा पाँच नौ दुई हजार अठर रु तीस नौ दुई हजार अठर तापर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आम पचर देखा तल पाराग्राफ अच्छी यहाँ गोटे अच्छी कि एज पर मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द डिग्री ऑब्टेंड थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस एजुकेशन मोड नीड्स टू रिकॉग्नाइज्ड बाय डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंगली अनलेस सच डिग्रीज आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द रिलेवेंट पीरियड व्हेन द कैंडिडेट्स अक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन दे विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने ओपन यूनिवर्सिटी किंबा डिस्टेंस एजुकेशन करते से माने एथिबे एलिजिबल हेबे नाही। तापर रहला एज लिमिट रे ना एज रिलैक्सेशन एससी एसटी के पई 5 वर्ष रहिछि ओबीसी पई 3 वर्ष रहिछि पीडब्ल्यूडी 10 वर्ष एमिति सब रहिछि। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होची रीजन्स फॉर द रिजेक्शन और कैंसलेशन ऑफ एप्लीकेशन जब एप्लीकेशन फॉर्म हमें अप्लाई करछ ऑनलाइन हमें कौन पे रिजेक्शन हो पारे एप्लीकेशन बीइंग इनकम्प्लीट जब एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट थी तेल रिजेक्शन हो पारे एनी वेरिएशन इन सिग्नेचर सिग्नेचर जब भेरी कला मैंने एवं दे गोटे सिग्नेचर आर जब अलग सिग्नेचर हो गला हम ना आ जो सिग्नेचर देवे से शॉर्ट सिग्नेचर देवे ना पूरा फुल सिग्नेचर फुल नेम देवे क्लियर फोटोग्राफ एलिजिबल सिग्नेचर देवे नॉन पेमेंट मैं जब पेमेंट दे नथिबे ताले हबो कटिजो फी नॉट पेड एज पर इंस्ट्रक्शन मैंने जब 100 टका दिथ तुम दे 50 टका ताले हबो ना अंडर एज्ड मैंने एज हो नथिबो जब ताले हबो ना नॉन फॉलोइंग स्टाफ अटेस्टेड लियाबल कॉपीज मैं जब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम से मैंने ठीक ठाक नथिबो जो डॉक्यूमेंट गुड़िक से कटि जाइपरती नॉट हैविंग द रिक्विजिटिव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मन कर तुम जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अनुसार देसार नथिबो ताले भी कटिपर इनकरेक्ट इनफॉर्मेशन जब
इनकरेक्ट थी मैरिटल स्टेटस हम ना एमती रही विभिन्न प्रकार देखीदे। नेक्स्ट रहा आम सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर केमती रहा सिलेक्शन प्रोसीजर रोज फास्ट हूँ कंप्यूटर बेस्ड मोड। कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्जामिनेशन हम एप्लीकेशन हुई हाव ब्लर और नो फोटोग्राफ ब्लर मैंने जो एप्लीकेशन गुडा देखा जा झापसा झापसा देखा फोटोग्राफ से देखा जामी एप्लीकेशन मानक एग्जाम को दिजो ना। देन कमन कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर ओनली वन्स फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द लेवल वन लेवल ऑफ पोस्ट मैंने लेवल मैंने कौन लेवल रही ग्रेजुएशन प्लस टू टेन्थ तो जो जो मैंने कमन कैंडिडेट्स रोचान कमन कैंडिडेट्स विल अलाउड अपीयर ओनली वन्स फॉर एग्जामिनेशन फॉर वन लेवल ऑफ पोस्ट इन द फेज ऑफ रिक्वायरमेंट इफ ए कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर टू लेवल ऑफ पोस्ट एग्जाम्पल फॉर मैट्रिकुलेशन एंड हायर सेकेंडरी लेवल ही और सी विल हैव टू अपीयर वन्स फॉर ईच लेवल ऑफ एग्जामिनेशन माने हूँ कि जदि तुम टेन्थ पे टेन्थ फर्म पकईच प्लस प्लस टू फर्म पकईच तेज़े सब मैंने टेन्थ पे थे एग्जाम दबो प्लस टू भी थे एग्जाम दबो जदि ग्रेजुएशन भी पकईच ग्रेजुएशन भी थे एग्जाम दबो तो तीन टा एग्जाम देवा पड़ो जदि मैंने तीन थर एग्जाम देवा पड़ो जदि ग्रेजुएशन वाला होते मैंने जिते थर जितेटा पकईदे से थर एग्जाम देवे मिनिमम क्वालिफिकेशन रहा है यूआर पे 30% ओबीसी पे 30% सॉरी यूआर पे 35 ओबीसी 30 और अदर कैटेगरी रहा 25% कोई रेसियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डक 1:20 रेसियो जिते पांच रू कम वैकेंसी थी पांच टू कम वैकेंसी जब अच्छी 1:20 रेसियो मैंने 20 जन पिलार गोटे पिला को डक 1:10 रेसियो डक जिते पांच टू अधिक वैकेंसी थी 1:10 रेसियो डक स्किल टेस्ट हम स्किल टेस्ट मैंने जो टाइपिंग थी से टाइपिंग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो थी से रहा। नेक्स्ट देखा एग्जामिनेशन केमी हम एग्जामिनेशन मोड तो रहा है कौन ऑनलाइन मोड रहा तो एग्जामिनेशन पैटर्न कौन रहा है जनरल इंटेलिजेंस आसमर जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क आसो टोटल 25 क्वेश्चन 50 मार्क जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैंने मैथ जो रहा मैथ रहा 25 क्वेश्चन 50 मार्क इंग्लिश रहा 25 क्वेश्चन 50 मार्क जोटा कि टोटाल रही 60 मिनिट मान घंटे घंटा भितर 200 मार्क क्वेश्चन हम 100 क्वेश्चन आसला नेगेटिव मार्क रोज के नेगेटिव मार्क रहा गोटे गोटे भूल हेल्ला 0.50 मार्क कटिजी। तापर नेक्स्ट आसला जे सिलेबस सिलेबस कौन रहा मैट्रिकुलेशन लेवल सिलेबस रहा सेम सिलेबस किंतु टिके कटिजी मैट्रिकुलेशन लेवल रहा जनरल इंटेलिजेंस इट शुड बी इनक्लूड क्वेश्चंस फॉर नॉन वर्बल टाइप टेस्ट एटा देखीदेवे टोटाल पीडीएफ देदेवि जनरल इंटेलिजेंस जनरल अवेयरनेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज से भाई रही प्लस टू रे भी सेम सेम ना कि सिलेबस टी अलग रहा ग्रेजुएशन लेवल भी सिलेबस अलग रहा सर ग्रेजुएशन लेवल सर इंग्लिश लैंग्वेज पर्यंत तापर आसला स्किल टेस्ट लाइकली टाइपिंग स्किल टेस्ट कौन कौन रहा टाइपिंग रहा डाटा एंट्री रहा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहा एक्सेट्रा वी आर प्रिस्क्राइब्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल दरकार पड़े स्किल टेस्ट जो पोस्ट पाए तो से पोस्ट ही रही ना अदरवाइज स्किल टेस्ट रही फाइनल मेरिट लिस्ट विल ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो टायर वन एग्जामिनेशन हम कंप्यूटर बेस्ड तार ऊपर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बाहर तापर नेक्स्ट देखा फॉर्मेट जिते बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम से टाइम एस सी एस टी सर्टिफिकेट एमती ही रही दरकार ओबीसी सर्टिफिकेट एमती रही दरकार जोटा कि देखते से फॉर्मेट्रे ही रही दरकार नेक्स्ट देखा कौ कौ पोस्ट इस सब वैकेंसी बाहरी कौ कौ पोस्ट मानते एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन कौ पोस्ट तो देखा फास्ट रहा जूनियर साइकोथेरापिस्ट जूनियर साइकोथेरापिस्ट रहा कौटे ग्रेजुएशन रहा
आर्मी रे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस आर मिनिमम क्वालिफिकेशन रहला ग्रेजुएशन वैकेंसी रही छि 9 टी आउ पे रही छि केते 9300 रु 34800 आ ग्रेड पे रही छि 4200 सेइ बोली जूनियर इंजीनियर रही छि ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन रो टोटल रही छि जति की पोस्ट रही छि ग्रेजुएशन रो जूनियर इंजीनियर सब प्राय रही छि इलेक्ट्रॉनिक्स जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स जोति में ग्रेजुएशन दरकार जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स रडार सिस्टम पे ग्रेजुएशन दरकार तो सबति पे रही छि एपटे वैकेंसी लिखा जाय छि एटा एरो रे वैकेंसी लिखा जाय छि एरो रे लिखा जाय छि हमरो माने क्वालिफिकेशन एटा रही छि हमरो को ऑफिस रे रहिबे एटा रही छि कोनो पोस्ट कोनो रही छि तो सेमिति रहिला सब ग्रेजुएशन बालांगर सब एपटे रहिला साइंटिफिक असिस्टेंट रही छि जूनियर इंजीनियर एते ले सर जाय छि तापर साइंटिफिक असिस्टेंट तापर रही छि जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस तापर हाइड्रोलिक हेरल्डिक असिस्टेंट इन हिस्ट्री डिवीजन इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 बॉटनिकल असिस्टेंट डाटा प्रोफिशिएंसी असिस्टेंट देन रहला लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर जूनियर साइकोथेरेपिस्ट सब एडिटर इंग्लिश लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट तापर रहला जूनियर साइकोथेरेपिस्ट तापर रही छि केता डिटेक्शन ग्रेड 3 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोग्राफर जूनियर साइकोथेरेपिस्ट एमिति रही छि ग्रेजुएशन रो सब रही गला पोर तापर रही छि कोन ग्रेजुएशन रे एमिति केते गुडे पोस्ट रही छि सब उतरे गेलो गोटे दिटा तीनटा एमिति करी प्राय रही छि तो देखि देबे आपन को जोडा सुइटेबल लागियो सेई अनुसार ही फॉर्म पकेबे तापर रहला हायर सेकेंडरी मैंने प्लस टू लेवल रहला फोटोग्राफर असिस्टेंट मैप क्यूरेटर लाइब्रेटरी असिस्टेंट तापर रहला टेक्निकल क्लर्क डेप्यूटी रेंजर तापर रहला असिस्टेंट स्टोर कीपर फोरमैन लैबोरेटरी अटेंडेंट एवरी हायर सेकेंडरी लेवल रो केते गुडी पोस्ट रही छि तापर रहला मैट्रिकुलेशन रहला मेडिकल अटेंडेंट टेक्निकल ऑपरेटर तापर टेक्निकल ऑपरेटर लैबोरेटरी अटेंडेंट टेक्निकल ऑपरेटर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 फोटो आर्टिस्ट जूनियर ड्राफ्ट्समैन एमिति विभिन्न प्रकार रही छि मैट्रिकुलेशन रो तो टोटल हमर वैकेंसी रही छि केतेटी 1136 टी वैकेंसी रही छि तो जोति पई आपनकर क्वालिफिकेशन जहा होछि सेई अनुसार फॉर्म अप्लाई करिवे आउ जारो ग्रेजुएशन अछि से माने प्लस 2 भी पके परिबे 10th भी पके परिबे जारो प्लस 2 क्वालिफिकेशन अछि से माने प्लस 2 पके परिबे 10th पके परिबे जारो 10th क्वालिफिकेशन अछि से 10th पके परिबे आउ जे ग्रेजुएशन रहला से तीन जदि तीन टांगरे अप्लाई करजि तले 300 टका देबो पडियो आउ तीनटा एग्जाम ही देबो पडियो सब दिपे सेपरेट एग्जाम देबो पडियो 10th बलांग पई गोटे एग्जाम रहबो प्लस 2 बलांग पई जदि दुटा फॉर्म पके छन 200 टका देबे एवं दुटा एग्जाम देबे तो एटा रहितला नुवा अपडेट गोटे जदि वीडियो डी भल लागितबो तले लाइक करिवे एवं हमर चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं संगमान को सहित यथा शीघ्र शेयर करन थैंक यू।